हाँ जी गाइस, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सहिता। सो अब जो व्लॉग है वो आप सबकी ऑन डिमांडिंग व्लॉग है कि मेरे बेबी शॉवर में सबने क्या रिप्लाई दिया था, बॉय और गर्ल क्या होने वाला है ना। तो उसका मैं पूरा मैंने शूट करके रखा था। फिर मुझे लगा कि अब वो राइट टाइम है, क्योंकि यस्टरडे जो मैंने व्लॉग डाला था ना, उसमें इतने सारे कमेंट्स थे, दीदी प्लीज़ बताओ सबका क्या रिप्लाई है, सबका क्या रिप्लाई है। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि अब ही है ये राइट टाइम, आप लोगों को बताना चाहिए। और हाँ, सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि व्लॉग डालते ही आप लोगों के पास आ जाए व्लॉग। अब एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि वो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ने तो वो बता ही दिया, आप लोग भी अपना जो प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है मेरा बॉय है या गर्ल है, वो ज़रूर ज़रूर बताना। और प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, है ना, किसी को खुशियाँ देना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। सो आप सबके एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होगी, तो भर भर के देना। तो चलिए अब लेट नहीं करते हुए करते हैं हमारा व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ बहुत सारे लोगों से। सो उसकी शुरुआत करते हैं भाभी और भैया से, जिनके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट रहा है आज पूरे दिन और स्पेशल मोमेंट होने वाला है। तो पूछते हैं भाभी भैया से, भाभी क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? गर्ल। गर्ल। हिम्मत आपको क्या लगता है? एनी वे, एनी कुछ भी हो सकता है। ओके, एक बताओ। हाँ भाभी, ज्यादा चांसेस है बॉय के। ओके, एंड आप? एक और एक 11 होने वाले हैं मेरे तो। चलो अब मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, मेरा जो गट फीलिंग आ रही है वो बेबी बॉय की आ रही है। मेरा तो कितना भी कर लो, गट फीलिंग मेरे गर्ल की है। मतलब मेरी विश तो ये श्याम बाबा एक लड़की दे, बहन आ जाए। देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपके प्रोग्राम आप करोगे तो आप नोटिस किया होगा, जब आप देखोगे तो जो भी शगुन के काम कराए गए हैं वो सब बच्चियों से कराए गए हैं, छोटी छोटी बच्चियों से किए गए। आप देख लेना, वहाँ पे पुष्प वर्षा है, पुष्प पकड़े हैं ताकि बच्चे ही आए, बाकी मालिक की मर्जी है, बस आए इससे बड़ा तूफान। आप सब कोई ब्लेसिंग करना भर भर के कि आए इससे बड़ा तूफान। विश मेरे लिए सरप्राइज की बेटी आ जाए, और जो कि पता नहीं क्यों मुझे भाभी गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि बेबी बॉय आएगा, बट मेरी विश श्याम बाबा से है कि बेटी आ जाए, क्योंकि मेरे हेमंत के लिए छोटी बहन होना जरूरी। ये बात है, ईश्वर का आशीर्वाद आएगा, क्योंकि आप देखिए कि कितने बढ़िया पूजा पाठ हुए हैं। जी जी बिल्कुल, सब सात्विक चीजें बनी थी कल के दिन, जो भी हो इतना तो भाव्य है, मेरी शाम कीर्तन हुआ, शाम भजन। सो भाभी मैं चाहती हूं और लोगों से पूछने, लेकिन उसके पहले बाकी लोगों का ओपिनियन लेने से पहले, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, खूब 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 सारा प्यार देना भर भर के, और बर्थडे को एंजॉय करना। सो गाइस चलिए चलते हैं, पूछते सबसे कि उनको क्या लगता है कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय। अरे तो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, हमें तो दोनों में खुशी है। वैसे बेबी, क्या है, बेबी आएगी तो घर पे लक्ष्मी आएगी और बच्चा आएगा तो भी खुशी है। चलो अंकल जी चाहते हैं कि बेबी गर्ल है, आंटी आप बताइए। क्या बताऊँ, एक बताइए, कोई लड़की या लड़का? लड़का अच्छा लगता है हमको तो। चलो आंटी चाहते हैं लड़का हो जाए। बस बढ़ेगा लड़का, चल लड़की भी कोई ऐसी बात नहीं है दीदी, लक्ष्मी है दीदी। आप बताओ क्या लड़का है लड़की? हाँ हमें तो हमारे साथ बहन, तो दीदी चाहती है कि बेबी गर्ल है। दीदी आप बताइए, क्या भाई हो जाएंगे? आप बताइए बेबी गर्ल और बेबी बॉय? दीदी को भी बहन चाहिए। लेट्स सी कि क्या होता है, चलिए और मिलते हैं और लोगों से, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा भाभी को, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? देखो अब बेबी होनी चाहिए, अच्छा बेबी बॉय होना चाहिए, बॉय अच्छा आपको गर्ल चाहिए ना। तो चलो भैया अभी चाहते हैं कि भाभी को बेबी गर्ल हो जाए। चलो अभी वन बाय वन करके सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो उसका आंसर करना। सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा? आई प्रेफर गर्ल। ओके, ये भी चाहती हैं कि इनको भाभी को बेबी गर्ल हो। दी आप बताइए, आपको क्या लगता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय? गर्ल। हम पता नहीं यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई लड़की होनी चाहिए। हां इसका ग्लो देख के हम गेस कर रहे हैं कि मेरी गर्ल होगी। आप बताइए, विद ऑलवेज गर्ल्स पसंद है। गर्ल। आप बताइए अदिति। ऑब्वियसली गर्ल।
अब एक बॉय है तो एक गर्ल तो होना चाहिए, बाकी जो भी हो सही सलामत हो, श्याम बाबा की मर्जी है ना, मतलब वो श्याम बाबा की मर्जी, बाकी जो हो सही सलामत हो, दोनों लोग सही, कुछ भी हो अच्छे से हो जाए, बहुत ज्यादा खुशी होगी हमें अगर बेबी गर्ल हुई। हेलो भाभी, हाय, देखो क्या कर रही है, जाने की तैयारी कर रही हूँ, जाना नहीं है ना भाभी, उठो पहले ये बताओ सच्चा भाभी को क्या होगा, बेबी गर्ल हो बेबी गर्ल? वैसे तो मैंने उनको बता दिया है, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी जो भी हो बहुत ही हस्ट पुष्ट स्वस्थ पैदा हो, एक बताओ, एंड जहाँ तक मेरी ट्रेडिंग जाती है गर्ल के लिए। चलिए चलते हैं अब इस रूम में और देखते हैं कि इन लोगों का क्या ओपिनियन है बेबी गर्ल और बेबी बॉय। हेलो हेलो, सुनी तो भाभी आप सब तो बहुत स्पेशल हो भाभी के लिए। अच्छा, तो पहले आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय? गर्ल, बेबी गर्ल। शबनम अभी आप बताइए। बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। सो दोनों लोग चाहते हैं कि बेबी गर्ल हो जाए, तो देखते हैं श्याम जी की मर्जी है कि क्या होना, क्या जो भी हो सही सलामत हो, सही सलामत हो, चलो यही दुआ है। और लोगों से पूछते हैं, दोनों माँ और बच्चा स्वस्थ रहे, अभी चाहे फिर लड़की हो चाहे जो भी हो, उसे प्यार से एक्सेप्ट करेंगे, प्यारी दोनों बुआ का आशीर्वाद है, मासी, सॉरी सॉरी, दोनों मासियों का आशीर्वाद। ये देखो, ये देखो, अच्छा हाँ सॉरी, मैं बुआ हूँ, बुआ, ये देखो नॉटी नॉटी नीतू मासी, प्यारी मासी। चलो ऐसा भी है कि ये वाला वो अलग करवाने वाली थी, अगर वैसा हो तो चले करवा दे, ठीक है भाभी फिर, ठीक है। तो गाइस चलते हैं इस रूम में, देखते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है। हेलो, हाय हाय हाय, क्या लगता है आपको भाभी को क्या होगा, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? बेबी ही होनी चाहिए, बाकी बेबी गर्ल ना, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। भैया आप बताइए क्या चाहिए, बेबी गर्ल और भाभी को बेबी बॉय, क्या दिखाओ जरा कहां है, बताओ ना ऐसे बताओ कैसे, कुछ मुझे गर्ल, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। हमको लगता है बेबी गर्ल होनी चाहिए क्योंकि फैमिली कंप्लीट लगेगी, और मैं चाहती हूँ सरिता जी की फैमिली कंप्लीट दिखे और भाई बहन का रिश्ता भी बने ना, क्योंकि हर वैरायटी होनी चाहिए बच्चों में। तेजस तुम बताओ, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? बॉय ना। चलो और सो नेक्स्ट रूम में चलते हैं, आकांक्षा भाभी के रूम में। हेलो 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 कृषा, कृषा ये भैया एक कैमरा ही लेकर, कृषा क्या चाहती हो आप, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? देखते कृषा क्या चाहती है, छोटा भाई चाहती है, बड़ा भाई सच बताएगी, जो बताओ क्या चाहती हो, कौन सा चाहिए बताओ? एक चाहिए, दोनों ही चाहिए, बॉय? नहीं नहीं नहीं, पहला बॉय हो चुका है, वो कह रही गर्ल लाओ, अबे दे तो देती नहीं, रुको फिर जू, अब बताओ क्या होगा, एक दोनों ये दोनों ही लेगी, एक बताओ, वन ओनली वन, तुम लालच दे रहे मेरे बच्चे को, तू थोड़ा सा आगे तो कर, दोनों को बराबर करना ऐसे रख, हाँ चलो किचू, हाँ बताओ बताओ क्या चीज चाहिए, कौन बताओ खुशु, खुशु जल्दी बताओ क्या चाहिए आपको, फिर तू एक आगे कर रही है, देख छोटा भाई है छोटा बहन, अच्छा है तुम लोग वीडियो बना रहे हो, अच्छा नहीं कृषु नहीं बताना चाह रही, वैसे उसने नहीं बताया, रुको रुको पहले बॉय बोला था उसने, अब मत चीटिंग करो ठीक है, नहीं तो आप बताओ पहले, आप बताओ पहले, बच्चे मन के सच्चे होते, पहले आप बताओ, मैं गर्ल, अनु भैया आप बताइए, गर्ल मेरी बच्ची आ चुकी है, गर्ल चाहिए, कृषा आप बताइए, अरे भाई सरिता का क्या चाहिए, सरिता भाभी को क्या होना चाहिए बताइए, सरिता भाभी को क्या होना चाहिए, बॉय तो है, गर्ल चाहिए, गर्ल चाहिए, आपकी प्रेडिक्शन क्या बता रही है भाई, मेरे से बड़ा पंडित बैठा है, लो देख 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 देख, बोला कृषा भी चाहती है मेरी एक छोटी बहन आ जाए, सो गाइस यहाँ पे रिजल्ट फेयर हो चुका है, आप पूछते हैं कृषा के चच्चू से, चच्चू बताइए, कैमरा तो बंद करो, चच्चू कृषा के चच्चू, चच्चू तो बताइए आपको क्या लगता है गर्ल हो बॉय? ये मुझे गर्ल लगती है, एक्चुअली लगने की बात नहीं है, ये सब लोग बता रहे जो चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, चाहते हैं कि गर्ल हो, बाकी जो क्योंकि इतनी प्यारी सी जो भी होगा, नहीं 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 जो भी होगा हमारे लिए स्पेशल होगा, हाँ तो बस ब्लेसिंग्स है, अच्छे से हो जाए, आराम से हो जाए, चलो थैंक यू, रेडी सो गाइस चलते हैं, पूछते हैं नेहा दीदी से कि भाभी को क्या होने वाले, बेबी गर्ल बेबी बॉय? अगर बॉय भी होता है तो हम बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरिता जैसी क्यूट सी बहुत सुंदर सी बेबी आए, और फिर मैं अपने बुटीक के उसको लेटेस्ट बहुत सारे न्यू ड्रेसेस बना के दूँ,
और मैं उसको पहनाऊँ, सारा जो कलेक्शन मैं अपने पास से भेजूँ, और उसके पैरों में पायल पहनाए है ना, उसकी चोटी बनाए, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए दो चोटी बनाए, मासी मासी बोलेगी तो हमें कितना मजा, काजल लगाए, बिंदी लगाए, इसलिए मुझे लड़की चाहिए। वाह। सो गाइस आई विश अब मेरा थॉट चेंज हो जाए, काश मुझे अम्मा बाबा बेटी ही मिले। हेलो दी, कैसे हो आप? बढ़िया। ये बताइए, पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है भाभी को क्या होगा, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? बॉय। बॉय। वाह, आप बताइए। गर्ल। गर्ल। भाई आपको? गर्ल। गर्ल। चलो यहाँ पे दो वोट गर्ल को, एक वोट बॉय को है, और मेरा वोट भी इनको ही जा रहा है फिलहाल। नहीं उस ओपिनियन से नहीं, मतलब बाकी अगर कुछ और लगता है इनको, गर्ल्स बहुत पसंद है ना, इनकी दो गर्ल्स हैं, इनको लगता है मैं और भी हो जाए। वैसे मैं पांच बहने हूँ। चलो थैंक यू भाभी, मिलते नीचे। अब देखते हैं इस रूम में, पूछते हैं सबसे। हेलो हाय, ये बताओ भाभी को, आप पहले इनसे पूछूंगे, ये बताओ भाभी को क्या होना चाहिए, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? गर्ल। गर्ल, ठीक है, आप बताइए। ऑफिशियली बेबी गर्ल। बेबी गर्ल। चलो इन दोनों का भी कहना है कि भाभी को बेबी गर्ल होनी चाहिए, लेट्स सी। फैमिली पूरी हो जाए ना, बॉय तो है ही। चलो सो गाइस चलते हैं, पूछते हैं और लोगों से कि उनका क्या ओपिनियन है बेबी गर्ल और बेबी बॉय। हेलो भैया। हेलो भैया। हां, आपको क्या लगता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय? पहले शादी तो करो। अरे मुझे नहीं, सरिता भाभी को। अच्छा, मेरे हिसाब से बॉय होगा, क्योंकि मैं हाथ देख लेता हूँ इस वजह से। भाई बहन एक जैसे, मैं भी चाचू। मुझे पता है कि आप रुको, ध्रुव से, ध्रुव क्या चाहिए आपको, छोटा भाई और छोटी बहन? हाथ रखो, जल्दी बताओ। दोनों पकड़ना, कौन सा पकड़ेगा, किस पे गया ये? बेबी गर्ल। वेरी गुड, इसको बहन चाहिए। सब पूछते स्वाति भाभी से, भाभी आपको क्या लगता है, ये कंटेंट कहां से ला रही हूं? गर्ल। गर्ल भाभी को कॉल। भाई बहन का बहुत अच्छा होगा। दीदी बताइए। क्यों? क्योंकि लड़का हो चुका है इसलिए सब लड़कियां कह रहे हैं, लेकिन मैं पर हाँ, पंडित हूँ, हाथ देख लेता हूँ, तो मुझे पता है लड़का होगा। मैं भी, मैं कि मेरी भी गट फीलिंग है कि बॉय होगा। तुम्हारी गट फीलिंग है? मैं 100% श्योर हूँ। मैं भी 100% हूँ फिर, भाई अगर हो गया मेरा तो मैं भी हो गई। चलो तो मिलते हैं अभी नीचे, बाय बाय। तो आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या ओपिनियन है। हेलो भैया। हेलो भैया। हेलो भैया। हेलो भैया। गाइस आप दोनों को क्या, आप पहले इनसे पूछते हैं ना सचिन में, आपको क्या लगता है भाई सरिता भाभी को बेबी गर्ल और बेबी बॉय होगा? अरे भाई मेरे से पूछो ना, लड़की है भाई। अब गाइस सरिता दीदी, ये जब आप ब्लॉग देखोगे कभी दोबारा ना, तो माँ सरस्वती विराजमान है मेरे जुबा पे, और मैं 100% आप केवल आपको देख के इस टाइम बोल सकता हूँ। इतिहास गवाह है कि जब जब भी मेरे से शर्त लगाया तब तब हार गया, और इतिहास गवाह है कि जो भी मैंने बात बोली वो सही है, लड़की ही होगी। अमित किट्टो की बात को याद रखना, बस वीडियो पसंद आए तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब करने को, हमारे चैनल पे आ जाना, अमित किट्टो जैसा लगा मेरे को ये लड़का। देखिए मैं बताऊँ, जो जो लोग भी प्रेडिक्शन कर पाते ना, वो सब बोल रहे बेबी बॉय, तो इसलिए मैं सबसे डिफरेंट हूँ भाई। भाई तो चलो पूछते आयुष भाई कि आयुष भाई को क्या लग रहा है, लड़की होगी? आयुष भाई को लग रहा है कि लड़की होगी, तो चलिए और लोगों से पूछते हैं कि क्या सीन है। आपसे कुछ पूछना था, चल चलो भैया आपको क्या लगता है सरिता भाभी को क्या होगा, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? भगवान का बोलते है ना, मे बी मांग हो भी सकता है ना, लेकिन हाँ मुझे, बट मुझे फीलिंग आ रहा है कि नहीं, इट्स गर्ल। चलिए देखते हैं, मेरे को तो पता चलेगा कुछ टाइम बाद, और चलिए और लोगों से मिलते हैं। सो गाइस जिन लोगों से रूम में नहीं पूछ पाए उनसे यहाँ पे पूछते हैं, हेमंत देखो क्या लगता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय? मैं तो पहले ही बोल दिया, कौन है बॉय? मोर चांसेस है। तुम्हें क्या चाहिए? चलो चलो चाहिए ना दोनों ही? नहीं कोई एक। आपको क्या लगता है सरिता भाभी को बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय? बेबी गर्ल। बेबी गर्ल। ये तीनों बच्चे बेबी गर्ल बोल रहे हैं। चलो आप पूछते आपसे तो पूछ। सो गाइस चलते हैं पूछते सोनिया भाभी से कि उनको कैसा लग रहा है, क्या क्या ओपिनियन है। हेलो हाय भाभी, ये बताइए आपको क्या लगता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय होगा सरिता भाभी को? देखो होनी तो गर्ल चाहिए। हाँ। पर मेरी गट फीलिंग कहती है सेम बॉय। सेम, देखा गाइस इनकी भी गट फीलिंग यही कह रही है कि बेबी बॉय होगा, और वैसे जो भी हो जाए सही सलामत हो ना, सही सलामत हो। हाँ। अच्छी तरह हो जाए, खुशहाल सुखी रहे सब, सब अच्छा हो। भैया किधर है? भैया मिल गए थे ना बलिया से। थैंक यू गाइस चलते हैं। अरे कोई नहीं, वो एक्टिविटी करते हो तो नेचुरल लगे। सो गाइस चलते हैं पूछते हैं
और लोगों से कि उनको क्या लगता है भाभी को बेबी गर्ल हो गया बेबी बॉय। हेलो मानती, हेलो बढ़िया। अब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाभी को बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा? बेबी गर्ल हो जाए तो ऐसा लगता है कि फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, वैसे क्या होना चाहिए? होना तो बेबी गर्ल चाहिए। बेबी गर्ल चाहिए, हाँ, लक्ष्मी आना चाहिए। चलो आंटी भी चाहती हैं कि लड़की हो जाए। हमारी एक भगवान से विनती है कि एक परिवार पूरा कंप्लीट हो जाए, तो सरिता और जेठू जी को ये शुभकामना है कि एक गुड़िया आ जाए, लक्ष्मी आ जाए इस घर में, तो लक्ष्मी की बाहर आ जाएगी। चलो थैंक यू। सो गाइस चलते पूछते हैं और लोगों से कि उनको क्या लगता है। हेलो भैया। हेलो भाभी। हेलो दी, कैसे हो? मैं बढ़िया, बताओ। ये बताइए भैया, पहले भैया बताइए, आप बोलो। हाँ, आपको क्या लगता है सरिता भाभी को क्या होगा, लड़की होगा या लड़का होगा? सरिता भाभी को जहाँ तक मुझे लगता है लड़की होनी चाहिए। तो आपने पकड़ा तो बॉय का है। अच्छा, क्योंकि जब हेमंत को राखी पर राखी बांधने वाली बहन भी तो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि लड़का होगा। नहीं, लड़का होगा। ऐसे किसे लड़की चाहिए? अच्छा, खैर जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि हेल्दी हो और हमेशा खुश रहे। बिल्कुल। लोगों ने भी बता दिया, भैया चाहते हैं लड़की हो जाए, भाभी चाहती है, नहीं भैया चाहते हैं लड़की हो जाए और भाभी चाहती है लड़का हो जाए, तो लेट्स सी कि कौन क्लोज। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आज इस समय में, मतलब ये जो टाइम चल रहा है, दोनों में कोई कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही बोल भैया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस जिठानी है। सो गाइस चलिए सरिता भाभी की जिठानी से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि बेबी गर्ल होगा और बेबी बॉय। आपको क्या लगता है बताइए इधर। आई डोंट नो, बता तो नहीं सकती हूँ, बट जो भी होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई एक बताइए भाई। जैसे कि बॉय है तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, गर्ल्स की होगी? आप बताएंगी ना। आई होप गर्ल्स हो जाए तो बेस्ट है, और बॉय भी हो तो भी बेस्ट ही है। तो भाभी की फर्स्ट चॉइस ये है कि आई विश की गर्ल हो जाए, राइट? चलो लेट्स सी, वो तो भगवान के हाथ में क्या होने वाला है। चलो देखो सबके फेवरेट है, सबको पता है ना, ये सबके फेवरेट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही भैया, सबके फेवरेट है ना। तो भैया आपसे कहना जरूरी है कि भाभी को क्या होगा, बेबी गर्ल हो बेबी बॉय? बेबी गर्ल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तालियां बजा दो जो बेबी गर्ल चाहते हैं। इस बात में हम भी सहमत है। देखो भाई शोर नहीं आ रहा उधर से, तो मजा नहीं आ रही है यहाँ पे पूछने में कुछ भी। तो बेबी गर्ल जिसको जिसको चाहिए वो एक बार जोरदार तालियां बजा दे। चिल्लाएगा कौन? सो अंकल जी आपकी चेन अच्छी लगी। मैंने बोला दो ही थी, यानी ये दुईटा है। तो लड़की लड़की तो अंकल जी चाहते हैं कि लड़की हो जाए, दो अंकल जी के लिए भैया। अंकल जी को बोलते हैं गर्ल्स। हाँ एक ही दो ही बहुवचन, बहुवचन, ये बहुवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। भाभी इधर से डिमांड ज्यादा आ रही है। भाभी भैया कह रहे गर्ल्स चाहिए, उन्हें गर्ल नहीं चलो तेरा ना बात कर रही। ये सबसे अनोखे हमारे ये कमर साहब ना, सबसे अनोखे हमारे घर में। तब इनको ज्यादा चाहिए तो आपको मेरे को नहीं चाहिए। चाहिए सही चाहिए। नहीं मेरे तो लड़के हैं। लड़की और लड़का दोनों ही होंगे। मेरे
ये होम्योपैथिक डॉक्टर है। देखो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, बेबी हुई तो मेरे घर लक्ष्मी आएगी, बेबा हुआ। अरे हिंदी में मतलब वापस हूँ बेबा। दीदी आपको क्या लगता है भाभी को लड़की होगी या लड़का? लड़की। सरिता भाभी से सुंदर मम्मी है और जेठू भैया से सुंदर पापा जी हैं, तो एक बार जोरदार ताली मम्मी और पापा की। नहीं नहीं क्या चाहिए पहले इनको बोलो। मेरे को तो लड़की चाहिए। अरे अभी बूढ़ा पे भाई करो लड़की हो। चाहिए हम एक दो ही थे। परिवार पूरा चाहिए। चाहिए आपको रिक्वेस्ट करो गलती से नंदा हो जाए तो एक ट्राई और सही ननन चाहिए तो चाहिए क्या लगता है आपको सरिता भाभी को लड़की होगी या लड़का? सरिता मासी को। मासी को आपको क्या चाहिए? लड़की या लड़का? सरिता भाभी से रिक्वेस्ट करो। अब आप बताओ वोट ज्यादा किस तरफ हुए? ये ब्लॉग में पता चलेगा, वो आप ब्लॉग देखिए अभी कैसे होगा। तो गाइस अब हम पूछते हैं प्यारे से ब्यूटीफुल से कपल से जो हमारे अमित भैया को तो हर कोई जानता होगा, हर फंक्शन में आपको दिखेंगे,
हमारे जेठे जी के बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड और भाई दोनों एक ही स्टाइल से, तो आपको क्या लगता है क्या चाहिए आपको सेठा बाबी से, बेटी या बेटा? बेटी भैया, बेटी बेटी, दोनों की डिमांड बेटी पे, तो आपको बच्चा है कोई? दोनों बेटियां हैं, चलो तो आप एक बेटा कर लो, एक बेटी कर लेंगे। तो चलो पूछते हैं शीतल दीदी से। सुंदर तो ये है, इनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने सुंदर सुंदर लफ्जों से क्या बोलना चाहेंगे उनको, क्या होगा सर बाबी को, बेटी या बेटा? देखो बेटा तो है ही, अब तो बेटी चाहिए। चलो दीदी को भी बेटी चाहिए, तो शायद बेटी ही होगी। अभी वोट करवाएंगे ना आपको, जिंदगी भर का सवाल है और इसका आंसर एकदम राइट आना चाहिए, बेटी बेटी। चलो देखते हैं क्या होता है। दीदी दीदी बरकर दीदी से भी पूछ लेते हैं, और जो शीतल दीदी के साथ ही शीतल दीदी की बेस्ट फ्रेंड भी है और बहन भी है, दोनों रिश्ते बनाती है शीतल दीदी से, तो इनसे भी जान लेते हैं कि इनको क्या लगता है कि क्या होगा बेबी गर्ल और बेबी बॉय। देखो मैं तो ढंग से चाहती हूँ कि सरिता जैसी दीदी क्यूट क्यूट लड़की ही हो, इन्हीं के जैसी क्यूट क्यूट जैसे दीदी सुंदर है, तो अब तो लगता है। मैं बताती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सुंदर होनी चाहिए, बस मेरा कोई डिमांड है। मैं कसम से बोलती हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट हुई मैंने सपने में भी यही देखा कि मेरे जो भी हुआ है, लेकिन मैंने डॉक्टर से ये पूछा, मुझे सुंदर तो नहीं है ना कुछ भी, सपने में भी मैंने यही पूछा, मुझे बस सुंदर खौफ है भाभी को थोड़ा सा सुंदर बच्चा। अरे सुंदर हो, इसके परिवार में कोई काला है ही नहीं, सुंदर है सारे सामने भी, वो भी सुंदर ही है, इसके परिवार में कोई है ही नहीं जिसके हम ना कोई। तो चलते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास जिनका नाम है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जी से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया बाबू के साथ और बहुत सारी बातें भी करी है, मैंने भी करा है, और तो अमित जी से पूछ रहे हैं बेटी को क्या लगता है कि इनको क्या चाहिए, भतीजा या भतीजी? अरे यार ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग चल रहा है, ठीक है ठीक है। अरे तभी सिंगल हो तुम, बात नहीं कर रहा हूँ भैया, वो एक अपनापन जो दिखता है वो होना चाहिए ना जी, करके रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। चलो मैं जो रियल में बोलती हूँ, अमित भैया से पूछते हैं, अमित भैया को क्या लगता है? लड़की होती तो कम्प्लीट कर लिया, थोड़ा एक्सपीरियंस भी दो साल से एक्सपीरियंस है मेरे को। चलो आप बताओ क्या पूछो, तो कि सरिता भाभी को लड़की होगी या लड़का? शर्म आ रही, समझ जाओ इससे कि लड़की है। अगर शर्म आ रही है तो लड़की है। आपकी टीम में और भी कोई था ना? अंशी 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 नहीं अंशी अंशी से तो पूछ चुके हैं। चलो हमारा भी हो गया जी। तो मैं फिर बीच में मिल रही हूँ आपको, तो आपको मैं ये बताने आई हूँ कि ईशा और आशीष का भी है इसमें, अब जो पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो अभी कृष्णा के बर्थडे का है, क्योंकि मेरे बेबी शॉर में उन दोनों का बहुत ज़्यादा मन था बट वो नहीं आ पाए थे, क्योंकि अद्विक उनका बेटे की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सो अभी उन्होंने बोला कि दीदी अभी हमको ले लो, तो वही वाला पार्ट मैं यहाँ पे आगे ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग देखो खूब सारा एंजॉय करो और अपना अपना प्रेडिक्शन जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में भर देना। आपको क्या लगता है भाभी को लड़का होगा या लड़की? बेटी लड़की पक्का, लक्ष्मी आएगी घर। आशीष भैया आपको क्या लगता है भाभी को लड़का होगा या लड़की? मेरा सपोर्ट नहीं किया तो मैं भी खेलूंगा नहीं। बोल दे लड़का, बोल दे भैया लड़का, बोल दे सपोर्ट नहीं किया तो मैं बोल दूंगा। जो भी होगा स्वस्थ हो, जो भी हो स्वस्थ हो, बहुत प्यारा है। बेटी, बेटी, क्या बेटी? तो वैसे बता दो, जैसे हमारे पास अभी एक बेटा है तो हम बेटी चाहते हैं। शिवी शिवी है या कुछ शिवी है इससे पूछ लेते हैं। तो शिवी भाई क्या लगता है आपको, सरिता भाभी को लड़की होगी या लड़का? सरिता मासी को, मासी को एक क्यूट सी चीज है। ओह क्यूट सी चीज, तो हो गया, किसी तो हो गया सारों का कंप्लीट हो गया है। तो ये वाला मेन है
एंड कर रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में जरूर जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, लड़का या लड़की। ठीक है, हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं।